his Saka. Come on. And it's saved. And Italy are the European champions. ओके सो काफ़ी देर अभी इंस्टा लाइव पे रहने के बाद मेरे कुछ दोस्त भी आए थे ऑनलाइन, उनके साथ बातें भी हुई, एंजॉय किया। अभी मेरा लंच जो था ये मिला था मुझे, ट्यूना एंड स्वीट कॉर्न, इसको शायद कहते हैं बगेट। सो ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा था बिकॉज़ बहुत रूखा रूखा ऐसा लगता है ये बहुत, तो मुझे इतना पसंद नहीं आया। मैंने उनको बोला था रिप्लेसमेंट देने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे बोला था कि दे विल गिव मी अ ग्रीक सैलेड, पर वो मैं 2-3 घंटे वेट करते रह गया और आया नहीं। तो अभी फाइनली 5:40 हो रहा है, 5:30 तक मुझे उन्होंने डिनर ही दे दिया। उन लोगों ने बोला कि डिनर इज़ रेडी, सो आप डिनर ही ले लो डायरेक्ट, क्योंकि डिनर इज़ गोइंग टू बी नाइस। तो भी वो अच्छा मतलब क्या होने वाला था, आई डोंट नो, दे सेड इट इज़ समथिंग नॉन वेज। आई वाज होपिंग कि कुछ चिकन करी और राइस और वो सब मिला था, वैसा कुछ मिले। उन्होंने मुझे अभी जो दिया है मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ What I've got. This is a turkey, I think. I don't know. Tell me if I'm right or wrong. So today is the day 8 of my hotel quarantine. और मेरा जो है RT-PCR का जो test होता है self test, तो वो अभी आ चुका है. So I'm going to take the test. I'll show you how it is. इस तरह का ये कुछ होता है. इसमें मेरा नाम वगैरह सब कुछ है. And then ये self test kit होता है. Okay. मैं तो एक्चुअली भूल गया था कि आज डे 8 है, मैं डे 7 समझ रहा था, लेकिन मेरी एक दोस्त है विक्रम, उससे बात हो रही थी तो उसने बताया उसका टेस्ट आज हुआ एंड हम दोनों का सेम डे चेक इन वगैरह हुआ है। सो देन आई वाज लाइक ओह शिट, ये सब बॉक्स होता है, तो इसे सिक्योरिटी सील होता है जो बॉक्स को पैक करते वक्त लगाना होता है। ये एक पैड मिलता है कि लीक ना हो, व्हेन यू पुट दिस इन दिस बैग, आप इसमें जब आपका टेस्ट डाल लेते हो तो इसके साथ में ये भी डालना होता है, सो दैट इट वॉन्ट लीक। तो ठीक है, ये बुकलेट लास्ट टाइम भी मिला था, मैं पढ़ चुका हूँ, तो आई नो नाउ कैसे लेना है टेस्ट। तो ये देखो ये होता है एक हल्का सा ऐसा, इसमें लिक्विड है, इस लिक्विड में हमको डालना है ये स्वाब। तो ये पूरा एक लंबा स्वाब होता है अभी, लेकिन इसको हाफ में ब्रेक करके फिर इसके अंदर डालना है। सो पहले मैं अभी टेस्ट लूँगा, बुरा होता है लास्ट टाइम, अच्छा नहीं, सेल्फ टेस्ट थोड़ा मुश्किल है। मैंने तो इंडिया में लिया था RT-PCR, बट वो थोड़ा इजी था, यहाँ पे पता नहीं थोड़ा खुद से करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, दिस इज द स्वॉप एंड आई एम गोइंग टू टेक द टेस्ट। पहले इसको मैं माउथ में डालूंगा एंड देन इन द नोज। ओके लेट्स डू इट। आँखों में थोड़ा सा पानी आ ही जाता है। ले लिया है अभी नोज में। सॉरी बड़ी होता है। तो ठीक है, टेस्ट मैंने ले ली है, यहाँ से देखो इसको ब्रेक करना होता है हाफ से। सो ये परफेक्ट, इसको ब्रेक कर दिया, इसको फेंक देना है, और अभी ये जो है स्वॉप इसको हमको डालना है इसके अंदर। कोई बात नहीं, ये कुछ इस तरह चला गया। ठीक है, सो ये मैंने अभी टेस्ट ले ली है, इसमें यू कैन सी मेरा स्वाब है अंदर। तो करना ये होता है कि ये एब्जॉर्बेंट शीट होता है, इसको ऐसा रखना है इसके अंदर, और ये एक आपको बैग जैसा मिलता है, इसके अंदर आपको इसको डाल देना है। तो ये मैं डाल देता हूँ केयरफुली, ये मैंने अभी इसमें रख दिया है एंड दैट्स इट। आई एम स्ट्रगलिंग टू मेक दिस बॉक्स, सो पिछली बार के जैसे मैं सिक्योरिटी को वापस बोल दूंगा कि ये प्लीज़ आप बना के दे दो मुझे। सो दैट्स इट, बाकी रजिस्ट्रेशन करना होता है तो वो मैं कर लेता हूँ, और ये स्टिकर वगैरह ये लोग वो चिपका देंगे, सो आई विल टॉक टू देम। टेस्ट मेरा हो गया है एंड होपफुली इट विल कम नेगेटिव अगैन। और टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद आई थिंक 10th डे मेरा है परसों ट्यूजडे, सो वेनसडे की रात को मिडनाइट को हम लोग निकल सकते हैं ऐसा पता चला है। बट मेरा जो एकोमोडेशन है कैंपस पे, कैंपस लिविंग, सो वो जो है वो आई थिंक 15th से है, तो दैट इज़ डे आफ्टर वेनसडे, थर्सडे को। तो आई विल वेट फॉर दैट, जब वो आ जाएगा तब मैं जाऊँगा। तो
That's it. Okay, so by the time I took my test on day 8, I just received my lunch as well. Again, I've got roti, tortilla, and spicy southern fried chicken and cheese. Look at this. So, I'm more than happy to get tortillas. जितनी रोटी मिलती उतना अच्छा ही लगता है क्योंकि थोड़ा सा इंडियन टाइप लगता है फील. दो जो सब्जियों की टेस्ट होती है वो उतनी स्पाइसी एंड ऑल ऑफ दैट नहीं होता है, स्पाइसेस के साथ नहीं होता है, बट इट इज़ गुड फॉर नाउ एट लीस्ट. सो और मैक्सिमम 3 दिन में तो आई विल लीव फ्रॉम हियर. सो आई एम लुकिंग एट द विंडो राइट नाउ एंड दैट इज़ वेयर आई एम गोइंग टू गो इन. आई एम गोइंग टू लैंड इन बेबी, मतलब आई गो आउट प्रॉपरली. क्योंकि मैं जब पहले दिन आया था तब से इतना मतलब वो फील था ना कि मुझे बाहर घूमना, ये जो रास्ते में देख रहा था जिस होल वाइब ऑफ द सिटी उसमें मुझे घूमना था एंड ऑल ऑफ दैट. बट होटल में भी एकदम जेल के जैसे बंद बंद, फाइनली हमको बाहर जाने मिलेगा. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. Looks nice. This looks like Milano. Didn't expect that I'd be making this video, but I'm trying to share as much as possible. As I said, कि जितना हो सकता हूँ मैं अपनी लाइफ को शेयर करने की जो है वो कोशिश कर रहा हूँ. सो अभी एक्चुअली बजे है 9 बजे है यहाँ पे, और जब यहाँ पे 9 बजते हैं तब इंडिया में आई थिंक 1:30 हो जाता है. तो सब लोग सो जाते हैं इंडिया में, एंड होता ये है कि अभी राइट नाउ आई एम इन होटल क्वारंटाइन. सो आई डोंट नो एनीवन इन यूके. मैं यहाँ पे किसी को जानता नहीं हूँ, तो ऑब्वियसली मैं इंडिया में जो लोग हैं मेरे दोस्त, मेरे फैमिली एंड ऑल ऑफ दैट, मैं उनसे ही बातें करता हूँ कॉल्स पे पूरा दिन, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, जूम मीटिंग्स और ये वो सब दोस्तों से बातें और ये सब होता है. एंड आई डू अदर थिंग्स एज वेल दिन में, बट एडिटिंग में भी कर नहीं रहा हूँ. मैंने पहले सोचा था कि होटल क्वारंटाइन में मैं पूरा एडिटिंग करूँगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास माउस नहीं है और मेरा कीबोर्ड जो है वो मैं साथ में ला नहीं पाया. मॉर्निंग में एडिटिंग में कर रहा था तो 1 घंटे की नींद एंड देन गड़बड़ हो गई, भूल गया. सो भी उसकी वजह से आई डोंट हैव द माउस, सो आई कांट एडिट. मैंने ट्राई किया बट बहुत मुश्किल है, वो उतना अच्छा व्लॉग बन नहीं पाएगा. सो आई एम वेटिंग. तो एक्चुअली इस वीडियो में मुझे ये शेयर करना था कि मतलब जैसे मैंने बताया कि अभी यहाँ पे 9 बज गए, इंडिया में सब लोग सो जाते हैं 1:30 तक, एंड इसके बाद का जो टाइम है, क्योंकि यहाँ पे तो जब तक 12 नहीं बजेंगे तब तक प्रॉपर रात होगी नहीं, बाहर अंधेरा तो होता नहीं है जल्दी, और नींद भी ऐसे जल्दी आती नहीं है. बिकॉज आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट, यूजली मैं थोड़ा लेट ही सोता हूँ, तो मैं मूवीज़ देख लेता हूँ कुछ ये हो, बट स्टिल होम सिकनेस इसी को कहते हैं कि नहीं पता नहीं, बट थोड़ा सा लोनली टाइप फील हो जाता है. जब मैं इंडिया में था तब मैं सोच रहा था कि मतलब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग मुझे बताते थे कि होटल क्वारंटाइन में थोड़ा लगता है अकेला एंड ये हो, एंड आई वाज लाइक कि तुम्हें लगता होगा मैं तो मैनेज कर लूँगा बिकॉज आई एम लाइक अकेले रहने की आदत है एंड ये वो, बट नहीं. तो जब यहाँ पे आते हो तो थोड़ा हो जाता है, आई थिंक दिस इज होम सिकनेस, हम घर की थोड़ी याद आना एंड फैमिली को मिस करना एंड ऑल ऑफ दैट. क्योंकि एक डेढ़ साल से हम लोग, अभी कोरोना जब से चालू हुआ था तब से 1.5 साल से हम लोग साथ में ही रह रहे थे, तो वही वापस एक आदत सी बन गई थी साथ में रहने की. तो वही थोड़ा मिस कर रहा हूँ मैं सबको, मम्मी पापा मिस तो कर रहा हूँ मैं, फ्रेंड्स को वगैरह सबको. आई मिस यू एंड आई एम हैप्पी. यहाँ पे मैं खुश तो हूँ क्योंकि जब मैं बाहर देखता हूँ आई स्टिल कैन बिलीव दैट आई एम इन लंदन, जिस सिटी के बारे में बस सुना था एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें मैं हुआ एक्चुअली. तो होटल क्वारंटाइन
कुछ इस तरह चल रहा है, कभी बोरिंग, कभी एक्साइटिंग, कभी बहुत फन, मतलब एकदम शांत है सब कुछ, बट यू फील लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, पता नहीं। एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेम टी शर्ट में बार बार पहन रहा हूँ, बट एक्चुअली यहाँ पे कैसा है कि लॉन्ड्री की जो सर्विस होती है वो भी आपको नहीं मिल रही है फिलहाल बिकॉज ऑफ कोरोना एंड COVID-19, बिकॉज ऑफ विच मैं सेम क्लोथ्स बार बार पहनने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट मुझे यहाँ पे खुद कपड़े ना धोने पड़ जाए एंड ऑल ऑफ दैट। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने मैं क्लोथ रिपीट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे कर लूँगा, सो दैट जब मैं कैंपस पे शिफ्ट हो जाऊँगा, व्हेन आई मूव इनटू द कैंपस, तो मैं वहाँ पे लॉन्ड्री या वो सब यूज़ करूँगा, तो वहाँ पे मैं मोस्टली अपने कपड़े वगैरह धोऊँगा। यहाँ पे होटल में तो मुझे मन नहीं कर रहा है, सो अभी एडिटिंग भी हो नहीं पा रही है, तो आई एम जस्ट चिलिंग इन द होटल। मैं 10 दिन पूरा आराम करने का मैंने डिसाइड किया है कि जितना रिलैक्स हो सकता है, जितना एंजॉय मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। खाना वगैरह सब कुछ आता रहता है ऑन टाइम एंड एवरीथिंग, जो जो चाहिए बस रिसेप्शन पे कॉल करो एंड यू गेट इट, सो अच्छा है। एंड यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों से बात बात होती है, तो वो भी एक बहुत अच्छा लगता है। एंड ये यूट्यूब, अभी ये जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये भी मैं आई थिंक एक कम्प्लीट एक दिन के गैप के बाद में शूट कर रहा हूँ, कि ये पिछला एक दिन मैंने कुछ भी शूट ही नहीं किया, बिकॉज आई वॉज एक तो बिजी था, कल मैं पूरा बिजी था, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, बट कल का पूरा दिन मैंने शूट नहीं किया, तो आई एम शूटिंग राइट नाउ एंड ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत टाइम बाद शूट कर रहा हूँ, बट अच्छा लग रहा है मुझे तो बात करके, तो आई फील लाइक आई हैव टेकन अ गुड डिसीजन, मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया था कि मैं यूट्यूब खोलूँगा, क्योंकि लाइक इमेजिन ये बस एक फ़ोन है, कैमरा है, बट आई एम टॉकिंग टू इट एंड आई एम फीलिंग मच बेटर, सो देखते रहिए वीडियोस एंड डू कमेंट, क्योंकि इस होल YouTube वीडियो एंड YouTube चैनल खोलने के पीछे का रीज़न ही वही था कि कॉन्टैक्ट बना रहेगा, सो डू वॉच द वीडियोस एंड बताना मुझे कि आपको कैसा लग रहा है, डू यू फील लाइक यू आर विथ मी, सो दैट्स इट गाइज एंड टेक केयर, लव एंड पीस, टाटा। Hello, this is, I'm calling from room number 302. Yes, how can I help? So, I want a bottle of water. Still water, yeah? Yep. Yeah, sure. Still water. Okay. Yeah. All right, thank you. It is so much fun over here.